हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निखिल आपके साथ और आज मैं लेके आया हूं बहुत चर्चित फिल्म लाल सिंह चड्ढा का रिव्यू। सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से लाल सिंह चड्ढा के बायकॉट को लेकर बात चल रही थी। उसके बाद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के भी ऐसे बयान आते हैं जिसमें करीना कपूर जैसी एक्ट्रेस कहती है कि देखनी तो देखो वरना मत देखो। तो इस तरीके के बयान से एक नेगेटिव पब्लिसिटी बनी इस फिल्म की। तो इतने बायकॉट के बाद भी हमने फिल्म देखी। पर हाँ, मैं आपको बता दूं, जो इस फिल्म की ओरिजिनल फिल्म है फॉरेस्ट गंप, वो हम देख चुके हैं और वो फिल्म बहुत ही शानदार थी। टॉम हैंक्स ने एक बहुत ही शानदार लाजवाब काम उस फिल्म में पहले ही कर चुके हैं और बहुत कमाल का स्क्रीन प्ले था, बहुत कमाल की फिल्म थी। तो उसको अडॉप्ट करके इंडियन वर्जन के रूप में इन्होंने दिखाया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन वर्जन में लाल सिंह चड्ढा या फॉरेस्ट गंप कैसी बनी है और क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। फिल्म की कहानी की बात की जाए तो काफी कुछ फॉरेस्ट गंप से इसकी कहानी मिलती है, लेकिन बीच बीच में बहुत सारे इंडियन जो ट्विस्ट हैं इंडियन समाज के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से वो डाले गए हैं ताकि फिल्म में अपनापन, देसीपन महसूस हो पाए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे सीन थे जो उस फिल्म में काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रहे, तो उन्हें बचते हुए इंडिया में जब ये फिल्म बनी, हिंदी में फिल्म बनी, तो उसको अलग तरीके से दिखाया गया और पूरा कोशिश की गई फिल्म को इंडियन टच देने की। इस फिल्म में आमिर खान एक ऐसे बच्चे का किरदार कर रहे हैं जो थोड़ा सा धीमा है लेकिन स्मार्ट है, दिमाग है उसके पास पर थोड़ा सा धीमा है। हालांकि इस फिल्म में उसको बताया नहीं गया है कौन सा डिसऑर्डर है, लेकिन फॉरेस्ट गंप में इस डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा जानकारी दी गई थी, लेकिन इसमें नहीं बताया गया है। बता दीजिए तो बेहतर होता। उसके साथ साथ फिल्म चलती है और लड़के की कहानी आगे बढ़ती है कि वो अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ता है। स्कूल से लेके कॉलेज तक लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो अपनी समझदारी से और अपनी हैबिट से, पढ़ने की हैबिट, बस एक बार उसको जो काम बोल दे वो करता ही है, वो हैबिट से वो आगे बढ़ता रहता है। स्कूल में अच्छा करता है, कॉलेज में और अच्छा करता है, उसके बाद वो आर्मी में जाता है, उसके बाद वो एक वॉर में जाता है, कारगिल वॉर में जाता है। बाद लाइफ में वो एक बहुत बड़ा ब्रांड जो है, इंडिया का फेमस ब्रांड है, उसका उसकी शुरुआत करता है। तो इस तरीके से चीजें बढ़ती रहती है, बनती रहती है। इसके बीच में आमिर खान और बाकी जो फिल्म के जो कैरेक्टर हैं वो आपस में टकराते हैं और चीजें बहुत ही एक्सट्रीम होती है, बहुत ही इमोशनल होती है। अगर आपको ये फिल्में, इमोशनल फिल्में पसंद नहीं है तो आप प्लीज ना देखें, क्योंकि बहुत सारी जगह जब आमिर खान और मोना सिंह जो एक्ट्रेस है जो उनका माँ का रोल प्ले कर रही है, अगर उनके कई सीन देखेंगे तो आप सही में काफी ज्यादा भावुक हो जाएंगे, आप रोने लग सकते हैं। और करीना कपूर के साथ कुछ सीन ऐसे थे जिसको देखकर काफी ज्यादा आप इमोशनल हो जाते हैं। उनके दोस्त जो आर्मी में उन्हें मिलते हैं उनके साथ कुछ ऐसा जो बॉन्डिंग होती है उसको देख के आप काफी भावुक हो जाते हैं। तो फिल्म आपको रुला सकती है, फिल्म में वो पावर है रुलाने की। फिल्म के सारे जो भी कलाकार थे सब ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। सिर्फ एक मुझे लगता है कि आमिर खान का काम है ना, क्योंकि आमिर खान अच्छे एक्टर हैं उसमें कोई डाउट नहीं है, आमिर खान अच्छे एक्टर है, लेकिन आप कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि वो ना धूम धूम थ्री और पीके दोनों को कैरेक्टर को मिक्स करके ऐसे ऐसे वो करते हैं ना, वो मिक्स करके वैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा खटकता है कि यार ये तो पीके में या धूम में देखा है, पीके में धूम में देखा, तो वो चीज थोड़ी खटकी मुझे। उसको थोड़ा अलग कर सकते थे आमिर खान, क्योंकि वो बहुत बड़े एक्टर हैं, वो कर सकते हैं, बट उन्होंने इस तरीके से इसको देखा इस तरीके से मैं करूं, बट मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बाकी कई लोगों को भी अच्छा नहीं लगा, बट कई लोगों को काफी पसंद आया, तो अपनी अपनी चॉइस है। तो इस फिल्म की कहानी लाल सिंह चड्ढा की जर्नी दिखाती है, कैसे स्कूल से लेकर कॉलेज, आर्मी और उसके बाद बड़े ब्रांड को बनाने के पीछे रहे, किस तरीके से उनकी लाइफ रही, और बहुत ही सुंदर जो है ना स्क्रीन प्ले रहा इसका, बहुत प्यारा स्क्रीन प्ले था। म्यूजिक जो है, म्यूजिक इस फिल्म का बहुत ही सामान्य है, एवरेज है, इतना मजा नहीं आता म्यूजिक सुनने में, क्योंकि गाने कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा कैची हो जो आप रोज सुन सके, तो गाना म्यूजिक बिल्कुल नॉर्मल है। एक्टिंग मैंने आपको बताया कि आमिर खान अगर कुछ अलग करते हैं तो ज़्यादा बेहतर लगते हैं। वहीं डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है, और एक बहुत ही शानदार कैमियो, बहुत ही शानदार, मतलब लोग सोचेंगे नहीं वो कैमियो इस फिल्म में नजर आ रहा है। और VFX थोड़ा सा VFX है, बट बहुत ही शानदार, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि जब मैंने वो सीन देखा सिनेमा हॉल में तो भाई लोग तो पागल हो गए थे, हा 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 हू हू शुरू हो गया था, बहुत अच्छा कैमियो था, तो वो कैमियो देख के आप खुश हो सकते हैं। फिल्म
टोटल में बात करूं फिल्म, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं सिनेमा हॉल में जाकर। वही बात की जाए कि जो बायकॉट चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं धर्म को लेकर कुछ गलत सलत कहा गया है, ना ही इंडियन आर्मी को लेकर कुछ गलत कहा गया है। बल्कि फिल्म शुरू होने से पहले लोगों को समझाया जा रहा है, बहुत बड़ा डिस्क्लेमर आया है कि भाई, और पढ़ के नहीं और लिखा हुआ नहीं, इसे पढ़ के भी बता रहे हैं कि भाई ये है फिल्म, तो इस बारे में फिल्म है पूरा। तो सोचिए आप, जब आपको डिस्क्लेमर पढ़ के बताना पड़ रहा है तो लोग कितने ज्यादा मतलब पीछे पड़ गए किसी चीज के। तो इतना ज्यादा पीछे पड़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि फिल्म काफी अच्छी है। आप बायकॉट करना है, आप बेशक करें, आपकी वो अपनी पर्सनल चॉइस है, पर मेरे को लगता है कि फिल्म काफी ठीक है, काफी अच्छी है। उतनी अच्छी नहीं है जितनी फॉरेस्ट गम जो ओरिजिनल है यार, वो तो सोर्स ओरिजिनल जो है बहुत अच्छा है ही, लेकिन एक इंडियन टेस्ट जो दिया गया है वो काफी बेहतर है और काफी रुला देती है फिल्म। अगर आप इन छुट्टियों में वीकेंड पर ये फिल्म देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ये फिल्म देख सकते हैं, काफी मजेदार फिल्म है। फिल्म में आपको मजा आएगा, इमोशनल होंगे और एक अच्छी स्टोरी, एक बहुत प्यारी कहानी आपके जहन में उतरेगी, आपके दिल को छू जाएगी। तो इस फिल्म को मैं 5 में से 3.5 देना चाहूंगा। सो आप अगर बायकॉट करना चाहें तो कर दें, या देखना चाहें तो देखें, ये आपकी आजादी है, इसे कोई नहीं छीन सकता। तो ये था मेरा रिव्यू लाल सिंह चड्ढा को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आप बायकॉट करना चाहते हैं फिल्म का तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्यों आप इस फिल्म को बायकॉट कर रहे हैं। तो मैं निखिल आपसे विदा लेता हूँ, जल्द मिलूंगा नए वीडियो के साथ, नए रिव्यू के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।